नमस्कार बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज। क्या भाई, सेकंड चैप्टर का ही 10th क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था और यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, मैंने हिंट तो दे दिया था, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज वो यहाँ देखे। हाँ जी, क्या दिखा रहे थे उनको? यहाँ पे मैंने कहा था कि आप लेट कर लीजिए क्या, कि ए वो सॉरी एक्स बराबर क्या लेट कर लो, ए टेन थीटा। ठीक है, अब पुट करना बच्चों यहाँ पे, टेन इनवर्स 3 a² x की जगह पे a tan थीटा। ठीक है, माइनस x क्यूब, x क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो। x क्यूब हो जाएगा a tan थीटा का क्यूब। ठीक है, अपॉन a क्यूब माइनस 3 a, x स्क्वायर का मतलब a tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया tan इनवर्स, ये आ जाएगा 3 a क्यूब tan थीटा, सही बात है। ये आ जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, सही बात है। और ये आ जाएगा a क्यूब, यह आ जाएगा 3 a इंटू ए स्क्वायर टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ये बन जाएगा 3। क्या भाई, अब देखो जल्दी फटाफट, एक काम करो a क्यूब ऊपर से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। ठीक है, नीचे भी तो a क्यूब बन रहा है, a क्यूब कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है जी, a क्यूब से a क्यूब कट गया, टेन इनवर्स। देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, टेन 3 थीटा का, याद आया, टेन से टेन कट गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, एक्स अपॉन में ए बराबर टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बोलो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आ गया 3 tan inverse x/a। 4 नंबर का फ्री फोकट का क्वेश्चन, लपेटो लपेटो। क्वेश्चन नंबर फिर 11, 11 करा के मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगा इसके हाथों हाथ, दो चार क्वेश्चन दे ही दूंगा लगे हाथ। चलो शुरू करें, यहां से देखो क्वेश्चन। हाँ बच्चों, नोट कर लिया होगा, अब मैं दो चार क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे फटाफट, वो देखते चलना और करते चलना। ठीक है, चलो पहले तो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू। लो जी, फाइंड वैल्यू निकले 2 cos 2 sin inverse 1/2, ये है। ठीक है जी, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना इसमें। क्या करना है इसमें, देखो टेन इनवर्स 2 cos 2, अरे साइन इनवर्स 1/2। अब ये बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, मुझे बस इतना बता दो, 30 पे। तो क्या मैं 30 को π/6 लिख सकता हूं, जल्दी बता दो। ठीक है, ये यहां से कट गया 3, टेन इनवर्स 2 cos π/3, अरे 2 cos वो छोड़ो, 2 छोड़ो, cos π/3 बताओ, cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 मतलब कितना आंसर, π/4 आंसर आपके सामने है, नकली क्वेश्चन। चलो एक और देखो, एक क्वेश्चन और देख लो लगे हाथ, लो ये करा देता हूं, थोड़ा टफ सा करा दूं। ये पहले आसान से करा दूं थोड़ा सा, ठीक है चलो कोई नहीं, बाकी के क्वेश्चन और भी देखेंगे, पहले 12वां क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी क्या है, कॉट, इसमें भी कह रहा फाइंड द वैल्यू, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अरे यार कुछ करना ही नहीं था, कॉट, अगर इसको ध्यान से देखो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर है, फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बनाता है, π/2, क्या बनाता है, π/2, और कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बता दो, कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बता दो फटाफट, 0 होती है कि नहीं होती है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
हाँ ये है अच्छा क्वेश्चन, अब आया ना इतने मोहल्ले में इतने तगड़े, बहुत दिनों बाद आया अच्छा क्वेश्चन कोई। और तगड़ा क्या नकली क्वेश्चन है यार, तगड़ा कुछ नहीं होता नकली होता है। कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर। अब तुम अगर इसे अपने फॉर्मूले की नजर से देखोगे, किसकी नजर से देखना तुम्हें, फॉर्मूले की नजर से, तो तुम्हें फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। क्या याद आ रहा है, याद करो मेरी पिछली क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मूला करवाया, अंदर ही अंदर एक फॉर्मूले का पूरा जंजाल चल रहा होगा। अब देखो ये इतना बड़ा है ना, हम पंगे नहीं लेंगे, हम कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, कंसीडर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही है ना। यहां पे पुट करो, क्या पुट करो, एक्स बराबर टेन थीटा, क्या पुट करो, एक्स बराबर टेन थीटा। तो क्या बनेगा ये, साइन इनवर्स 2 tan θ 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आपको अपनी 11th क्लास याद आ रही होगी तो आपके सपने में ये बात चल गई होगी पता, कि भाई 2 tan θ / 1 + tan²θ sin 2θ होता है। सही बात है, ठीक है, साइन से साइन 2θ, थीटा की वैल्यू तुरंत यहां से भगा के निकाल दो तो क्या आएगी, 2 tan inverse x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू ये है, हाँ कि ना, यानी इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूं, ठीक है। चलो अब इसकी बारी, हाँ जी, कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y² हाँ भाई, तो पुट करेंगे यहां पे y की जगह पे क्या पुट कर दूं, टेन अल्फा है ना, क्या पुट कर देता हूं, टेन अल्फा, क्योंकि थीटा तो पुट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो भाई, तो ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स, हाँ भाई ये कौन है, 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा, ये 1 + tan²α। अब जरा अपने 11th की दुनिया को याद करो, क्या था ये फॉर्मूला, जल्दी बता दो, ये किसका फॉर्मूला था, कॉस 2α, सही बात है। अरे कॉस 2θ का ही तो फॉर्मूला बनता है ये वाला, ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा 2α, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल दो। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना यार, तो मतलब बच्चों का खेल है फिर आपके लिए। अब देख लो भाई, इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि इसकी वैल्यू ये है और इस पूरे की वैल्यू ये है, सही बात है। चलो अब देखो नाउ, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मेरे पास क्या है, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², यही है ना। अरे बात खत्म, टेन 1/2। अच्छा इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी बताओ, 2 tan inverse x, हाँ कि ना, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी बताओ, 2 tan inverse y, सही बात है। 2 कॉमन ले लूं, अरे ले लूं, 1/2 × 2, अंदर बचेगा टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, 2 से 2 10, हाँ भाई टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, यही होता है। टेन से टेन इनवर्स कटेगा, आंसर क्या आया, हैंस प्रूफ्ड। चलो खेंस दो, है ना नकली क्वेश्चन एक नंबर। बताओ कोई समस्या थी इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में, मतलब एक बार बस देखना है कि हाँ भाई मेरे को मिल क्या रहा है, मुझे मेरा फॉर्मूला बन रहा है, एक बार आपका फॉर्मूला बन रहा है तो लपेट दो, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, उम्मीद करता हूँ यहां तक नोट कर लिया होगा आपने, यहां तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कराना है लेकिन मैं पहले 15 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 कराना है लेकिन मैं पहले क्या करा रहा हूं, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लिया करो, ठीक है ना। ये देखो भाई क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी भाई, टेन इनवर्स x - 1, ठीक है, x - 2 + tan inverse x + 1 x + 2 बराबर है π/4, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो, हाँ तो क्या दिक्कत होगी। अरे एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात बताना, क्या ये आपको टेन इनवर्स a
प्लस टेन इनवर्स बी जैसा लग रहा है, फॉर्मल लगा दो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बराबर है ना उसके। हाँ जी तो ये लगेगा टेन इनवर्स, हाँ जी क्या फॉर्मूला होता है, एक्स एक्स की जगह पे ये पूरा है प्लस वाई, वाई की जगह पे ये पूरा है अपॉन वन माइनस एक्स और ये वाई, कोई दिक्कत? ठीक है सॉल्व कर दो इसको, इससे करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। हाँ मैं मानता हूं भाई थोड़े लेंदी होएगा, कोई बात नहीं यार है भी तो ट्वेल्थ में, छठी में तो है नहीं हम, अरे है क्या तुम में से कोई छठी में बताओ मुझे फटाफट, कौन सा बच्चा है जो होगा समझ गया होगा। हाँ भाई अब जल्दी बताओ ये a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है या नहीं लग रहा? जी बिल्कुल लग रहा है, तो क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकता हूं, और ये भी नीचे देख लो फटाफट, हाँ जी क्या लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है चलो टेन इनवर्स और बराबर में पाई बाय फोर भी ले लो यार, ठीक है हाँ जी। अब क्या करना है सॉल्व करो, x को x से एक्स स्क्वायर, x को 2 से 2x, 1 को x से 1 और ये माइनस का 2, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x और ये माइनस का 2, ठीक है। और नीचे तो ये भी a माइनस भी a प्लस भी लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसको इससे करो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंदर भेजो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे का नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है बराबर पाई बाय 4। अच्छा एक बात बताओ क्या आपको, हाँ भाई ये हिस्सा और ये हिस्सा कटते हुए दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, काट दिया चलो भाई, अब जो कट रहा है काटते चलो, अब जो कट रहा है काटते चलो। चलो भाई क्या क्या कट रहा है जल्दी बताओ मेरे को फटाफट भाई, एक तो कट रहा है 2x से 2x, x से x, और कुछ कट रहा है? हाँ भाई नीचे ये इससे कट रहा है, चलो जी जो कट रहा था हमने काटा, तो क्या बन गया ये टेन इनवर्स, पहले देख लो यार चेक कर लू मैं, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, हाँ भाई 2x 2x x x, ठीक है ये तो इससे कट गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, हाँ भाई माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4, नीचे क्या बच गया, हाँ भाई ये 4 में से 1 गया माइनस का 3, ठीक है बराबर पाई बाय 4। अब ये टेन इनवर्स पाई बाय 4 के पास भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता जल्दी बता दो भाई, भेज सकता हूँ ना, तो क्या बन जाएगा ये टेन पाई बाय 4, और टेन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है ये भी बता दो फुर्ती से जल्दी बता दो, 1 माइनस का 3 वहां जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 उधर जाएगा जल्दी बोल दे बेटा, हाँ तो ये आ गया 1 एक्स स्क्वायर 2 इसके नीचे स्क्वायर वहां भेज दे अंडर रूट 1 बाय 2, बाहर निकल के आएगा क्या बनेगा पहलवान 1 अपॉन में अंडर रूट 2 प्लस माइनस, खत्म कहानी। मैथ नकली चीज है बच्चों वाली, ठीक है बस फॉर्मूले कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए उसके बाद तो भाई आप राजा हो, ठीक है निपटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 15 था ना, 15 क्वेश्चन नंबर 15 था ये, चलो क्वेश्चन नंबर सोच लो 16 करा दूं, चलो कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ फिर करने के लिए भी देता हूँ आपको, ठीक है ये नोट कर लिया होगा। चलो नोट कर लिया था, ठीक चलो भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, कह रहा बताओ भाई वैल्यू बताओ इसकी, अरे तो क्या है क्या दिक्कत है हमें पता है यार कि साइन की रेंज जो होती है वो क्या होती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में यही होती है ना इसकी रेंज। अब मुझे इतना बता दो साइन के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है 2 पाई बाय 3, क्या 2 पाई बाय 3 इनके बीच में कहीं पे भी लाई करता है? अरे नहीं करता, रीजन क्योंकि माइनस पाई बाय 2 को माइनस 90 की नजर से देखो, पाई बाय 2 को 90 की नजर से देखो, और 2 पाई बाय 3 कितना होता है, अरे पाई बाय 3 का मतलब होता है 60,
मल्टीप्लाई में 2 हुआ तो कितना होगा, 120। तो क्या कभी भी 120 इसके बीच में आ सकता है क्या, इन दोनों के बीच में? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसके रेंज में नहीं आ रहा है, तो हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे भाई, हमें पता है साइन की औकात सबसे तगड़ी कहां पर होती है, उसके क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो सेकंड में कैसे जा सकते हैं, पाई में माइनस करके। तो बस साइन इनवर्स माइनस करेंगे, नहीं साइन सेकंड क्वाड्रेंट है कि नहीं, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट है कि नहीं। तो भाई अब देखो ना, 2π/3 को क्या मैं पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अच्छा भाई पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जल्दी बता दो, सेकंड। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव और पाई है तो चेंज तो होगा नहीं, तो यानी ये क्या बन गया, ये बन गया साइन पाई बाय थ्री। ये कहां सीखा था हमने, 11th क्लास में। साइन से साइन कट गया, आंसर क्या आया, पाई बाय थ्री। तो यानी कि हमारा आंसर ये है, ठीक है। एक करने के लिए दे रहा हूं, जल्दी करके दिखा देना फुर्ती से। चलो ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, साइन इनवर्स साइन माइनस का 7π/3, फटाफट करके दिखा दो। चलो कर दो जल्दी, कर दो फतेह, कर दो जल्दी। हो गया नहीं हुआ? चलो देखो ये देखो, जिनसे हो गया वो बहुत अच्छे बच्चे, जिनसे नहीं हुआ वो उनसे भी महान। हाँ भाई देखो, अरे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, हाँ कि ना? अरे बोलो, ठीक है। ये माइनस तो बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स। अब जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं क्या। अरे ये साइन 7π/3 है, 3 से भी डिवाइड करोगे तो 2 से भी जाएगा, 2 से भी ज्यादा आएगा, 2 पाई से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि 3 2 6 और ये तो 7 है, मतलब कि 2 से भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो 2 से भी ज्यादा आ रहा है तो मेरे को एक बात तो पता है ना यार, क्या 2 से अगर ज्यादा आ भी गया तो क्या दिक्कत है यार। साइन तो अपने अपने आप में हीरो कहां 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 पे होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे हीरो हैं। तो अगर मैं 2 पाई में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो मैं इस क्या मैं इस 7π/3 को 2π + π/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बता दो। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 3 2 6 6 और 1 7, सही बात है। अच्छा अब देखो जल्दी देखो, माइनस का साइन इनवर्स, हाँ भाई साइन क्यों आएगा, साइन क्योंकि 2π है, पाई 2π + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, पाई बाय थ्री, कोई दिक्कत? साइन से साइन कट गया, आंसर कितना आया, माइनस का पाई बाय थ्री। अब देखो माइनस का पाई बाय थ्री मतलब क्या होता है, माइनस का 60। तो क्या माइनस का 60 इसके बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो नकली क्वेश्चन है यार, एक और देता हूं, चलो एक और दे दें, ये करो, चलो ये करो, कॉस इनवर्स कॉस 8π/7 करना, 7 है कितना है, हाँ 7 करो, करो इसे करो। अबे मत बोलना आसान क्वेश्चन है, नकली क्वेश्चन है, एक नंबर, पहले बता रहा हूं। ठीक है तो यहाँ पर आंसर लिख देना, माइनस का पाई बाय थ्री, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा कॉस की पार्टी, कॉस के बारे में भी आपको पता ही है। अरे कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज होता है 0 से π, और पाई, अब भाई ये तो 8π/7 है, 8π/7 मतलब क्या हुआ भाई, ये तो 1 से भी ज्यादा निकल गया आगे। तो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, कॉस इनवर्स, हाँ भाई कॉस, कॉस क्या मैं इसे पाई प्लस में पाई बाय 7 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन एक समस्या आ गई मेरे सामने, क्या? अरे भाई मैं अगर पाई में कुछ भी ऐड करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना वो, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, हाँ कि ना? अरे बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो आया है कॉस, ये क्या आ गया, हाँ भाई पाई होने की वजह से कॉस आया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस, तो ये आ गया पाई बाय 7, ये क्या आ गया पाई बाय 7। और आपको तो पता ही है भाई कि ऐसा सिचुएशन जब आ जाए तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो माइनस में आ जाएगा फिर, ऐसी सिचुएशन में एंगल किस में आ जाएगा, माइनस में। और बताओ क्या रेंज के हिसाब से एंगल में माइनस में ले सकता हूं, नहीं। तो याद करो कि जब ऐसी सिचुएशन बन जाए, जब ऐसी सिचुएशन बन जाए क्या, कॉस इनवर्स
कॉस माइनस एक्स, तो क्या करते हैं जल्दी बताओ, फॉर्मूला याद है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, याद आया हाँ कि ना, तो बस काम खत्म। हाँ जी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय सेवन, क्योंकि उसका माइनस तो हमने यहां पे अब शिफ्ट कर लिया पाई के साथ, कॉस से कॉस कट गया, तो पाई माइनस पाई बाय सेवन, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया, 6 पाई बटा 7। अब बताओ 6 पाई बटा 7 क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाली डिजिट छोटी है और नीचे वाली डिजिट बड़ी है, तो सीधी सी बात है ये वैल्यू 1 से छोटी ही होगी। ऐसे ऐसे नकली क्वेश्चन है, चलो 2 आपको दे रहा हूं करने के लिए मैं, ठीक है, मुझे करके दिखाना यार, नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आना। ये है कॉट इनवर्स कॉट 9π/4, एक तो ये करना, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है, सेक इनवर्स सेक माइनस का 8π/5, ठीक है, हाँ ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ज्यादा टफ नहीं दिए इसलिए देख लो फटाफट। ओ सॉरी, यहाँ कॉस नहीं आएगा, कॉट आएगा यहाँ, ठीक है, ठीक। चलिए लिए नोट नोट करो इसे, फिर थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो। क्वेश्चन तो 1 नंबर वाले कराऊंगा मैं आप लोग, सारे तगड़े बिल्कुल, देखते ही क्वेश्चन दिल खुश। ठीक है चलो शुरू करें। अच्छा अब कौन से क्वेश्चन पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14, 15 कर लिया, 16 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। और हाँ भाई, उतार लिया होगा ये तो, सभी होमवर्क दे दिया 2 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, अब तुम पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, देख लो A to Z सारे क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन फिर भी अभी एक क्लास और दूंगा तुम्हें मैं इसकी ट्रिकों की, टेंशन मत लो। अगली से अगली क्लास में शुरू करूंगा तुम्हारा, क्या भाई, 5th चैप्टर, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ जी, क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें, इतना नकली क्वेश्चन है क्या बताऊं, देखो इधर फटाफट देखो, अरे ये साइन है, साइन को उठा के उधर ले जाओ, जल्दी बताओ किसका राज चलेगा, क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1, हाँ कि ना। अच्छा अब साइन इनवर्स 1/5 कितना होता है? अरे कुछ नहीं पता हमें, हमने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स क्या है? कुछ नहीं पता, लेकिन साइन इनवर्स 1 क्या है ये पता है। साइन इनवर्स 1 कहां पर होता है? 90 पे, तो 90 की जगह पे मैं π/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, क्या आपको ये रिलेशन पता है कि π/2 इसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हाँ कि ना भाई? एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि π/2 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो भैया देखो कटता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या आया? साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन एक्स की वैल्यू हो गया, दिखने में टफ लगता है, करने में तो नकली सा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 17 भी तुम कर सकते हो, ठीक है, हाँ 18 मैं करा देता हूं, 18 मैं करा देता हूं, ये करा देता हूं, 18 क्वेश्चन नंबर 18 करा देता हूं, इसको नोट कर लो, हो गया नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? अरे ये तो नकली से क्वेश्चन है यार, 10 sin inverse 3/5 cot inverse 3/2, ये क्वेश्चन नंबर 18, बहुत नकली क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नकली क्वेश्चन। अरे यार एक बात बताओ मुझे, सिंपल से एक बात बताना,
तुम्हें यहाँ बाहर क्या दिया हुआ है मुझे ये बताओ, ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ है? टेन दिया हुआ है ना, तो बस यार इसको भी टेन बनाओ, इसको भी टेन बनाओ, बात खत्म। ठीक है भाई, साइन को टेन कैसे बनाए? साइन को टेन कैसे बनाए? सिंपल, मुझे एक बात बताओ यार, साइन को पहले तो एक काम करो, कंसीडर कंसीडर साइन साइन इनवर्स 3/5 बराबर ले लो एक्स के, ठीक है? साइन को उठा के वहां भेजो तो क्या बन जाएगा? हाँ भाई क्या बन जाएगा? ये साइन एक्स जो कि किसके बराबर होगा? 3/5 के, हाँ कि ना? 3/5 के। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर तुम पीबीपी एचएचबी परपेंड ये परपेंडिकुलर, ये क्या था यार, पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले करके करते थे, या पाकिस्तान भूगा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके टाइप के पढ़ते थे आप लोग, ठीक है? तो अगर इसे देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? इसे देखोगे तो क्या है भाई, ये हाइपोटेनियस है कि नहीं? हाँ भाई, तो अगर 3 परपेंडिकुलर है, 5 हाइपोटेनियस है, तो तुम्हारा भाई बेस क्या होगा? 4। कितना होगा? 4। ऐसे भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, ऐसे भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, साइन अपॉन में कॉस तो टेन होता ही है, कॉस निकाल लो यहां से यार। और कॉस क्या होता है? √1 - sin² है ना, 1 - sin² की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। 3/5 क्या होता है? 9/25। सॉल्व करोगे 25 - 9 16/25, बाहर निकालोगे +-4/5। ठीक है, कुछ क्वाड्रेंट वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है भाई, जब सीधी बात दिख रहा है 3/5, तो यानी कि वैल्यू 1 से कम होगी, तो यानी प्लस वैल्यू ही लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है? प्लस वैल्यू ही लेनी है। कॉस एक्स आ गया भाई, कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, टेन एक्स निकालते हैं नाउ, टेन एक्स निकालते हैं। टेन एक्स कितना होता है भाई? साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये कितना आया? 3/5। ये कितना आया? 4/5। 5 से 5 कट गया, 3/4, यानी टेन एक्स की वैल्यू 3/4। लेकिन बच्चों अब मुझे करना क्या है? मुझे एक सिंपल सा काम करना है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। दिखाई दे रहा सभी को? एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स बराबर क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 3/4। एक काम करता हूँ, छोड़ो यहां लिख देता हूँ बड़ा सा, टेन एक्स बराबर टेन इनवर्स 3/4। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, देखो भाई देखना, ध्यान से देखना, देखो ये भी एक्स के बराबर है और ये भी एक्स के बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, अच्छा नाउ अब तुम सोचोगे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या? तो इसको क्यों सॉल्व करूं, क्यों मैं अपना माथा मारूं भाई दीवार में? अरे मेरे को एक बात पता है भाई, मुझे क्या पता है? मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था भाई आपको, क्या पढ़ाया था? कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x। याद करो, याद करो, ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि नहीं? अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा तो तुम्हें अपने आप पता चल गया होगा कि हाँ भाई सर क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने यही था ना फॉर्मूला, ठीक है? हाँ, क्या था फॉर्मूला भाई? कि कॉट इनवर्स जो एक्स जो होता है वो क्या होता है? टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x, ठीक है? और ये इस तरीके से, इस सिचुएशन को अगर मैं फॉलो करवाऊं, इस सिचुएशन को अगर मैं फॉलो करवाऊं, तो अगर ये ऐसा है, तो देखो कॉट इनवर्स ये कितना है? 3/2। ये कितना है? 3/2। लेकिन बच्चों मैंने एक कंडीशन भी लिखवाई थी उसमें कि भाई इसके लिए एक्स, ये एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हाँ यहाँ भाई 0 से बड़ी है, तो ये वैल्यू 3/2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स, हाँ टेन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा? 1/x, यानी कि 1/2 में एक्स कितना है? 3/2, तो कितना हो जाएगा ये? टेन इनवर्स 2/3 है ना, तो यानी कि कॉट इनवर्स 3/2 बच्चों किसके बराबर है? टेन इनवर्स 2/3 के, हाँ कि ना? सुनाओ सुनाओ, क्या करेंगे हम? टेन, हाँ भाई, साइन इनवर्स 3/5 भी एक्स के बराबर, और टेन इनवर्स 3/4 भी एक्स के बराबर। तो जब ये एक्स के बराबर और ये भी एक्स के बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर। तो क्या मैं साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे टेन इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। और मैंने अभी अभी बताया कि कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स 1/x के। तो भाई कॉट का उल्टा कर दिया हमने, तो यानी कॉट 3/2 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? टेन इनवर्स 2/3। निकालो वैल्यू, टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ठीक है जी? सॉल्व करो, टेन टेन इनवर्स,
क्या बनेगा ये? 3 3 9 और ये कितना बनेगा? 4 2 8, 3 चौके 12, ये बनेगा 1 3 2 6 और ये 12, ठीक है? हाँ जी, क्या बन जाएगा ये? 10, 10 इनवर्स, 9 और 8 कितना होगा भाई? 17 बटा 12। सॉल्व करेंगे, 12 एकम 12, 12 माइनस 6, 6 बटा 12, ठीक है भाई? 12 से 12 कट गया, 10, 10 इनवर्स 17 बटा 6, 10 से 10 कट गया, 17 बटा 6 आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? नोट करो। नाइनटीन खुद कर सकते हो, ठीक है? 20 खुद कर सकते हो, 21 खुद कर सकते हो, ठीक है? मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, ठीक है? मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 तक, मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 9 तक का होमवर्क दे रहा हूं मैं। ये 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। तो मैंने आप लोगों को मिसलेनियस में कहां तक दे दिए भाई? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 तक दे दिए, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है? हाँ, अगर आपको फिर भी एमएल अग्रवाल के और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, वैसे तो मैं करा रहा हूं इसमें भी दो दो तीन तीन करके, लेकिन और भी चाहिए होंगे तो मैं उसको भी हाथों हाथ करवाता चलूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है? तो हम लोग अगली क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को क्या कर दें, पूरी तरीके से खत्म कर दें, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में नए सिरे से कुछ नई चीजें सीखेंगे, ठीक है? चलिए, बाय।